out again. Redskins. दोस्तों, आज आप सबके लिए लेके आया हूँ इस साल का लॉन्च सैमसंग का एलईडी टीवी, जिसका मॉडल नंबर है 43AU7700। तो आज इसका फुल रिव्यू करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि न्यू वीडियो जैसे ही लाऊं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। मैं इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आप सबके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए फटाफट से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बात करते हैं इसकी डिज़ाइन की, तो ये थ्री साइड बेजललेस देखने को मिलती है। तीनों साइड बहुत ही कम बेजल देखने को मिलने वाली है। इस टीवी की थिकनेस की बात करते हैं तो ये आपको वॉल पे लगने के बाद एज अ फ्रेम की तरह दिखने वाली है, क्योंकि इसकी थिकनेस काफ़ी कम है। नीचे में देखें तो इसकी बेजल थोड़ी पतली मिलती है। साइड में देखें तो सैमसंग की ब्रांडिंग की गई है, उसके नीचे एक फिजिकल बटन ऑन ऑफ बटन दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले इसके डिटेल स्पेसिफिकेशन को देख लेते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी रिमोट की, तो इसकी रिमोट काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ की है, साथ ही साथ यूज़ करने में काफ़ी हैंडी फील होता है। ये बेसिकली ब्लूटूथ रिमोट है, जो कि टीवी से पेयर होने के बाद इसके वॉइस असिस्टेंट के फीचर को आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। रिमोट्स के बटन को देखें तो ऊपर में आपको ऑन ऑफ बटन दिखता है, उसके बगल में आपको वॉइस असिस्टेंट का माइक दिया गया है। सेंटर में देखें तो लेफ़्ट राइट अप डाउन का कर्सर दिया गया है और बीच में आपका ओके का बटन दिया गया है। साथ ही साथ बात करें इसके कुछ हॉटस्की का, तो इसमें आपको मिलता है नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, सैमसंग टीवी प्लस का हॉटस्की देखने को मिल जाता है। ओवरऑल देखें रिमोट की क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छे मटेरियल से बना हुआ है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके पोर्ट्स और कनेक्टिविटी की, तो इसके सारे पोर्ट्स साइड में देखने को मिल जाती है, जिसमें से 1 USB, 3 HDMI, साथ ही साथ ऑप्टिकल और एक ईथरनेट का भी पोर्ट मिल जाता है। बात करें इस टीवी की पावर केबल की, तो इसकी पावर केबल साइड से ही AC पावर केबल का कॉर्ड दिया गया है। इसकी कनेक्टिविटी को देखें तो इसमें बिल्ट इन वाईफाई देखने को मिल जाता है, साथ में डोंगल की सपोर्ट दी गई है। अगर आप कोई डोंगल यूज़ करना चाहते हैं तो आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ब्लूटूथ वर्ज़न की बात करें तो ब्लूटूथ वर्ज़न 5.2 देखने को मिल जाता है, जो कि 2-way ब्लूटूथ ऑडियो सपोर्ट करता है। आप इस टीवी को एज अ म्यूज़िक सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी पिक्चर क्वालिटी की, तो इसमें लगा है VA पैनल, जिसके वजह से आपको इसकी कॉन्ट्रास्ट लेवल काफ़ी ज़्यादा मिलने वाली है, साथ ही साथ कलर की डिटेलिंग वो भी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। बात करते हैं इसके प्रोसेसर की, इसमें लगा है पिक्चर प्रोसेसर, जिसका नाम है क्रिस्टल प्रोसेसर 4K, जिसके वजह से आपको 4K का डिटेलिंग काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। कोई भी 4K कंटेंट देखते हैं तो इसमें काफ़ी अच्छा कलर, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस काफ़ी अच्छा देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ डिटेलिंग को भी इन्हांस करता है ये प्रोसेसर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सीन बाई सीन कितना अच्छा डिटेलिंग निकल कर आ रहा है। 4K वीडियो चल रहा है, साथ ही साथ आप पिक्चर क्वालिटी देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी देखने को मिल रही है। बात करें इसकी कलर टेक्नोलॉजी की, तो इसमें आपको मिलता है प्योर कलर, जिसकी वजह से आपको वाइब्रेंट लाइफ लाइक पिक्चर देखने को मिलती है। ऐसा फील होता है कि आपका पिक्चर जो चल रहा है वो बिल्कुल नेचुरल पिक्चर चल रहा है। दोस्तों, अगर इसमें आप डार्क सीन देखा जाए तो इसमें मिलता है HDR का फैसिलिटी, जिससे वजह से आपको डार्क सीन डार्क मिलेगा और ब्राइटर सीन ब्राइट मिलेगा, क्योंकि HDR टेक्नोलॉजी इसी पे काम करती है, जिसमें आपको कलर डिटेलिंग काफ़ी स्मूथ हो जाती है, पिक्चर की डिटेलिंग काफ़ी स्मूथ हो जाती है, और जहाँ पर आपको कलर कॉन्ट्रास्ट चाहिए वो एग्जैक्ट वहीं पर आपको कलर कॉन्ट्रास्ट मिलता है, बिकॉज इसमें लगा है HDR का टेक्नोलॉजी, हाई डायनेमिक रेंज, जिसकी वजह से इसकी पिक्चर क्वालिटी और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। दोस्तों, अगर आप स्पोर्ट्स के शौकीन हैं या हॉलीवुड मूवी, फास्ट सीन मूवी देखना पसंद करते हैं, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि इसमें लगा है मोशन एक्सेलेटर का प्रोसेसर, जिसकी वजह से इसकी पिक्चर क्वालिटी काफ़ी स्मूथ होने वाली है, कोई भी आपको लैग जडर नहीं दिखने वाली है इसके पिक्चर में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसकी पिक्चर क्वालिटी काफ़ी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी निकल कर आ रही है। अगर व्यूइंग एंगल की बात करें तो इसमें आपको 178 डिग्री का व्यूइंग एंगल मिलता है, तो आप
साइड से भी देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा कलर में आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेगी बिकॉज इसमें VA पैनल लगा है। ओवरऑल अगर पिक्चर की बात करें तो काफ़ी ऑसम पिक्चर क्वालिटी देखने को मिल रही है इस टीवी में। दोस्तों अब बात करते हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलती है जो कि सैमसंग का खुद का पेटेंट है। ये आपका सैमसंग का सारे टीवी में आपको टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगी। जैसे ही होम बटन प्रेस करते हैं तो इसकी यूज़र इंटरफेस खुल के आ जाती है जो कि आप देख पा रहे हैं। इसमें आपको नीचे में एक एप्लीकेशन का रॉ मिलेगा, साइड में आपको बहुत सारी सेटिंग्स मिल जाएगी। इसमें बहुत सारा प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन मिल रही है। जैसे ही हम उस एप्लीकेशन पर ले जाते हैं तो उसके ऊपर आपको इस तरह का ट्रेंडिंग वीडियो देखने वाली है। जैसे जो भी इसमें एप्लीकेशन के अंदर ट्रेंडिंग वीडियो है वो आपको ऊपर में दिखती रहेगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत सारा प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन है, जैसे लाइक सैमसंग टीवी प्लस। इसमें आपको मिलता है एक यूनिक एप्लीकेशन जो कि सैमसंग का खुद का है, सैमसंग टीवी प्लस, जिसमें आप बहुत सारे चैनल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। इसमें कुछ कुछ चैनल्स अभी ऐड हुई है और आगे भी आपको बहुत सारा चैनल इसमें देखने को मिलने वाली है। बात करें प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन लाइक नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब, एप्पल टीवी, ये सारी एप्लीकेशन आपको ऑलरेडी मिल रही है। अगर अदर एप्लीकेशन यूज़ करना है और भी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो इसमें आपको मिलता है इसका खुद का ऐप स्टोर। ऐप स्टोर को ओपन करते हैं तो इसमें आपको दिख जाता है सेक्शन वाइज किस कैटेगरी का किधर से एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, तो आपको पूरा दिखता रहेगा। जैसे कि आपको जो भी ट्रेंडिंग एप्लीकेशन है वो दिखता रहेगा, डाउनलोडेड एप्लीकेशन है वो दिखता रहेगा। आपको जो भी डाउनलोड करना है ऊपर सर्च बटन है, उस पर जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं एप्लीकेशन को सर्च करके। अगर बात करें इसमें वॉइस कमांड की तो इसमें आपको 3 वॉइस कमांड देखने को मिलती है, अमेज़ॉन का एलेक्सा, गूगल का गूगल असिस्टेंट और इसका खुद का अपना बनाया हुआ बिक्सबी, जो कि सैमसंग खुद का पेटेंट है इसका बिक्सबी, वो भी साथ में देखने को मिल जाती है। बट वन टाइम में आप एक ही गूगल असिस्टेंट या यूज़ करना चाहते हैं या एलेक्सा या बिक्सबी, वन टाइम में एक ही असिस्टेंट को आप यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सेटिंग्स की। तो जैसे ही सेटिंग्स पे जाते हैं तो ऊपर में आपका कुछ एक बार खुल के आ जाएगा जिसमें आपको बहुत सारी सेटिंग्स डायरेक्टली ऑप्शन आ जाता है करने के लिए, सेटिंग्स चेंज करने के लिए। तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको ई मैनुअल है, वाईफाई है, पिक्चर, साउंड और साथ ही साथ आउटपुट को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो वाईफाई है वो कनेक्टेड है, आप यहीं से आप वाईफाई के सिग्नल को चेंज भी कर सकते हैं। बात करें इसके पिक्चर मोड की तो इसमें बहुत सारा पिक्चर मोड देखने को मिल जाती है, 4 पिक्चर मोड है, आप जो भी सूटेबल लगे वो पिक्चर मोड सेट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे डायनेमिक पिक्चर मोड सेट है। यहाँ से आप साउंड मोड की बात करते हैं तो आप साउंड मोड को भी इजीली चेंज कर सकते हैं, जो कि 3 टाइप का साउंड मोड देखने को मिल रही है। साथ ही साथ यहाँ से अगर आप एडिशनल कोई होम थिएटर अटैच किए हैं तो यहाँ से आउटपुट को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप ब्लूटूथ यूज़ करना चाहते हैं या फिर TV स्पीकर यूज करना चाहते हैं या ऑप्टिकल किसी भी सोर्स से कनेक्टेड है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। इसी तरह का बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो भी आप सेटिंग्स करना चाहते हैं डायरेक्टली यहाँ से सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसका सारा डिटेल वीडियो एक बना दूंगा, अगर मैं इसमें सारा डिटेल बताऊँ तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। आप बताएं कमेंट करके अगर इसका डिटेल कैसे सेटअप करना है, इसके UI को कैसे यूज किया जाता है, क्या क्या ऑप्शन है इसमें, वो सारा डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अगर कमेंट्स ज़्यादा आता है तो मैं इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा आप सबके लिए। तो ओवरऑल देखा जाए इसके UI तो काफ़ी बढ़िया UI है, कोई भी एप्लीकेशन ओपन करने में कोई भी लैग फील नहीं होता है, काफ़ी स्मूथली इसकी एप्लीकेशन रन करती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी साउंड की। तो इसमें आपको मिलता है 20 वाट का आउटपुट, टोटल साउंड आउटपुट 20 वाट का दिया गया है, 2 स्पीकर 10-10 वाट का देखने को मिल जाती है। बात करें इसकी साउंड की तो इसमें मिलता है डॉल्बी डिजिटल प्लस की साउंड। तो चलिए फटाफट से एक साउंड सैंपल सुन लेते हैं और देखते हैं इसका कैसा है साउंड क्वालिटी। You wanna talk to my bones, I suppose you will.
ओवरऑल इसकी साउंड क्वालिटी डिसेंट है, काफ़ी अच्छा साउंड देखने को मिल रही है। अगर आपका एक नॉर्मल रूम है तो उसमें काफ़ी अच्छा साउंड देखने को मिलने वाली है। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो ये आपको लगभग ऑनलाइन देखने को मिल जाती है 45,000 के अराउंड। मैं इसका परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो टीवी ओवरऑल इस प्राइस पॉइंट में काफ़ी अच्छा है, जो कि आपको एक ब्रांड सैमसंग का टीवी मिल जाता है इस प्राइस पॉइंट में। और फीचर की बात करें तो लगभग सारा फीचर्स काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ आ रही है, और पिक्चर साउंड ऑलमोस्ट देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया पैकेज के साथ आ रही है। दोस्तों, यूआई को कैसे सेटअप किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, क्या क्या सेटिंग्स है, पूरा अगर डिटेल में आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप कमेंट जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा, मैं इस पर एक डिटेल वीडियो आप सभी के लिए बनाने का कोशिश करूँगा। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आप सबके लिए लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।